Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me, Ayushi. Together we Priyashi. तो guys, हम लोग आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया brand new horror. पॉडकास्ट नहीं घोस्ट कास्ट लेकर के क्योंकि हम लोग जितने भी हॉरर पॉडकास्ट बनाएंगे ना उसको हम लोग घोस्ट कास्ट कहेंगे एंड देखो हमारे में इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुई है इस चीज से हाँ। आप लोग डिनाई नहीं कर सकते हो पहले एक महीने पर एक वीडियो आती थी फिर 20 दिन पर आने लगी फिर 15 दिन पे ये वाली वीडियो एग्जैक्ट 10 डेज पर आ रही है तो टेंशन मत लो हम लोग अपने पुराने वाले फॉर्म में बिल्कुल वापस आने की कोशिश कर रहे हैं एंड फिर से हम लोग रेगुलर हॉरर वीडियो दे करके ही मानेंगे आप लोगों को खैर गाइज आज के इस गोस्ट कास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मेहमान है बेसिकली आज जो हमारे साथ है ना उन्होंने अपने लाइफ में तो बहुत सारे भूतों का सामना किया है चुड़ैल का सामना किया है फीमेल जिनका भी सामना किया है उसके साथ ही साथ इनका हमारे चैनल से एक बहुत पुराना संबंध है हमने अपने चैनल पर हॉन्टेड रांची के गर्ल्स हॉस्टल की बहुत सारी स्टोरीज बताई है रिसेंटली अनिशा आई थी हमारे चैनल पर जो कि उसी हॉस्टल में रहा करती थी और अनिशा ने हमारे साथ आंचल की स्टोरी शेयर की थी कि कैसे एक हबीज ने आंचल विक्टिम उसको बहुत परेशान किया था हॉस्टल में तो आज हमारे साथ कोई नहीं बल्कि आंचल के सगे भाई आ रहे हैं आप लोगों के सामने और भी चीज़ों का पर्दा फाश करने के लिए और मेरे को कहीं ना कहीं दीदी ये लगता है ना कि ये कहानी ना हम लोगों से जुड़ी हुई है जब से हम लोग ना हॉरर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये कहानी का जो भी मिस्ट्री है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है बेसिकली ये कहानी बहुत डाइवर्स है जिसके साथ हुआ उसने अलग फील किया हॉस्टल की बच्चियों ने अपने आंखों के सामने जो देखा वो अलग कहानी थी एंड घर वालों के ऊपर जो गुजरी आंचल को जब घर ले जाया गया उसके बाद क्या क्या हुआ वो अलग कहानी है तो हॉस्टल तक में क्या क्या वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा अनिशा ने सब कुछ बता दिया है और अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को हम लोग डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे प्लीज जल्दी से जाके देख लो तो आज आंचल के भाई यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि जब आंचल को घर ले जाया गया तो कैसे उसको उस खबीज जिन से छुटकारा मिला उसके अलावे पता है आप लोगों को क्या हुआ है वो जो खबीज है ना

यहाँ पर आप जितने भी बच्चे देख रहे हो ना जो कि दूसरे शहर में गए हो हॉस्टल में रह हाँ। रहे हो फ्लैट लेकर के रह रहे हो आप लोग तो ये वीडियो पक्का देखना क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी ज्ञान की बातें भी जानने मिलेगी कि जब आप लोग हॉस्टल या फ्लैट चुनते हो तो या कौन घर से दूर रहते हो हाँ तो कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है और दिमाग में रख करके हॉस्टल को सेलेक्ट करना है तो ज्यादा बकर बकर नहीं करते हैं रानी नहीं 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 क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत कुछ डिटेल में बात करने हाँ। वाले हैं तो आप लोगों को क्या करना है सीट की पेटी कैसे नहीं कान में एयरफोन डाल के रूम की लाइट्स चुपचाप से ऑफ कर लो अभी हम लोग भी ऑफ करे ठीक है और धुकुर धुकुर वाली आंटी तो अपने दर्शन देने आएंगी तो उसका भी वेट जरूर करना दीदी डिले नहीं करते हैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइज हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट अंकित बैठ चुके हैं अभी हमने बहुत सारी बातें बातें की है तो अभी फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है अंकित के पास बहुत सारा क्या है माल मटेरियल है हमें और आप लोगों को बताने के लिए कहानी बहुत सारी है घटनाएं बहुत सारी है जो आप लोगों को बतानी है कुछ पुरानी कहानियां हैं जिन्हें आगे बढ़ानी है और कुछ नई कहानियां जिन्हें हमें लानी भी है तो कहाँ से शुरू करें जहाँ से आप चाहते हैं पहले तो आंचल के केस वाला जो कन्फ्यूजन था ना वो क्लियर कर देते हैं पहली बात ये कि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि आंचल के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था बस सीधा से बात है कुछ नहीं हुआ था जस्ट एक प्रकार का इल्यूजन था जो कि आदमी लोग को हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें देख लेने की वजह से बाकी बात जो था तो वो तो कहानी ही है सब जो आप लोगों ने सुना होगा कभी इनके थ्रू कभी एक जो अनिशा उसके थ्रू वो लोग पूरे के पूरे भ्रमित हुई वो पूरे घटनाओं में कभी किसी ने किया तो कभी किसी ने कहानी सुना करके शुरू अगर डे वन से किया जाए जब उसका एंट्री हुआ था हॉस्टल में तो हम लोग को उसी समय खास करके मुझे लग गया था कि हॉस्टल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने की वजह से और थोड़ा जिद की वजह से उसे रहने दिए वहाँ पर पहला तो उसका जो एंट्रेंस है एंट्रेंस सबसे बेकार किसी का भी एंट्रेंस वैसा नहीं रहता है बड़ा सा गेट उसके बाद एक और गेट उसके बाद एक और गेट फिर जाके पीछे साइड से एक और गेट मतलब जितना रूम नहीं उतना तो गेट था ही था एंट्रेंस में उसका <laughs> हॉस्टल की बात हो रही है हाँ हॉस्टल की एंट्रेंस का वही था जो बाहर में जो फूल लगे हुए थे जिसको रात रानी का फूल भी कहते हैं अब वो फूल ना उसका स्मेल आता था और ना ही कुछ ऐसा लगता था कि वो भाई कोई पेड़ है ऐसे एक्चुअली लगता भी था कि कोई पेड़ नहीं है कोई झाड़ सा लत सा पूरा बंधा हुआ है वो फूल नहीं खिलता था फूल था थोड़ा फूल इतना बड़ा बड़ा फूल हुआ करता था अब बाहर जाएगी हॉस्टल का तो हॉस्टल का बाहर जाने के बाद जो कि एक्चुअली बाहर में नाली गटर वगैरह बह रहा है फिर भी वहाँ पे स्मेल आएगा उसका लेकिन जब अंदर जाए अंदर जाने के बाद में जहाँ के सबसे सब ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होना चाहिए था वहाँ और बिल्कुल भी नहीं फूल का तो उससे सेकेंड लगा था कि हाँ यार कुछ है लेकिन चलो फिर भी इट भी सबका आदत होता है लेट इट बी क्योंकि अब सिस्टर बोल रही है कि चलो दोस्त मिल गए हैं तो दोस्त के साथ रहने का दोस्त के साथ खाना खेलने का तो वो लोग इतना खाई खेली कहानी बन गया उसका पूरा <laughs> तो माहौल इसीलिए मैं बता देते हैं कि लाइट है। कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो दूसरी स्टोरी आने वाली है ना तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग तो अनसब्सक्राइब भी कर देखा <laughs> नहीं नहीं नहीं, नहीं। मजाक कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है देखो हमारी रोजी रोटी का सवाल है <laughs>

Which is hashtag number one global gaming platform trusted by players worldwide. And trust me, it's not just a game, it's an experience that will make your heart race. एंड योर स्पिरिट सोर और हम बता रहे हैं ना इसका हर एक स्पिन और हर एक फ्लिप आपके हर एक मूवमेंट को मजेदार बना देगा बट द फंडिवेट एंड एंटरटेन यू लाइक अंदर बाहर क्रैश एक्स जेट एक्स एक्सेट्रा दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट ओनली यूजर फ्रेंडली बट ऑल्सो प्रायोरिटाइज योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विथ इट्स इंटरनेशनल लाइसेंस एंड राउंड द क्लॉक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सो आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन दिस थ्रिलिंग जर्नी यूज आवर प्रोमो कोड प्रिया वन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसको यूज करने पे आपको थर्टी फोर थाउजेंड आई एनआर और टू फिफ्टी फ्री स्पिन भी मिल जाएंगे बोनस के तौर पे साथ ही साथ आपके फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको 250 फ्री स्पिन्स भी मिलेंगे तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है जल्दी से उस लिंक पे टैप करके साइन अप कर लो और हमारा कूपन कोड यूज करना भूलना मत सो गाइस डोंट मिस द चांस टू एस्केप फ्रॉम योर डेली रूटीन एंड डाइव इनटू द वर्ल्ड फुल ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज कुछ मिथ से भी आप लोगों को जो भ्रम हुआ है वो भी टूटने वाला है तो मार्शल का स्टोरी में ऐसा है कि उन लोग का कहानी शुरू होता है उन लोग का अपने अपने बचकाने कांडों से अपना अपना कांड करना है उन लोग का mm -hmm. अब लड़की लोग एक साथ में है तो रात के समय में ये लो लोग जितने लोग हैं फिल्म देखना वो भी कौन थे? सा हॉरर हॉरर mm -hmm. के अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं आदमी को हॉरर ही देखना है वो लोग जो छः अब क्या कहें उसको छः रूममेट्स नहीं उसको नाम तुम्हें कुछ और कहने वाला था बेसिकली छः चंडाल चौकड़ी जो था वो लोग ऐसे चार चंडाल चार चार चार, चौकड़ी होता लेकिन छ था वो लोग तो वो लोग का क्या करने का था तो उसमें से एक जो लड़की थी जो कि सेकेंड वाली जो है नाम बोले थे उसका हाँ, हाँ, हाँ भाविका, का, भावी का। वो जो कि सेकेंड जो पोजिश हुई थी उसका आदत था कि मूवी देखना हॉरर हॉरर मूवी देखना पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई नहीं करना रात का करीबन बारह साढ़े बारह एक दो तीन जितना भी बच जाए मूवी चलते रहना है हाँ ये है कि पढ़ाई करती थी बस आदमी को टाइम नहीं पता है कि कब करती थी बस करती थी इतना पता है हम लोगों को हमारे जगह हाँ क्योंकि हाँ मार्क्स वगैरह सबका अच्छे आते थे सब चीज़ ठीक था पढ़ाई भी अपना निकाल लेती थी लेकिन ये कि जो टाइमिंग होता था उनका नाइट का नाइट के समय में हॉर मूवी देखना हॉर मूवी देखना और जो आपका जो भाभी का जो है उसको डरना रात को डरेगी और बाकी जितने पांच लोग हैं उसे हनुमान चाले से सुनाएंगे जैसे सोने से पहले हम लोग लोरी सुनते हैं हा, हा, वो हनुमान चालीसा उस तरह से उसे हनुमान चालीसा सुनना है हनुमान चालीसा सुनेगी तब सोएगी तब बाकी सब लोग सोएंगे रूटीन पूरा का पूरा बर्बाद है अब कोई आदमी टाइम पर सोए नहीं हॉर्न मूवी देखे डरे तो उसके साथ क्या होगा और तीसरा जो घटना जो हुआ था वहाँ पर जिसे जिसका डेथ एक्चुअली मेरा नाम बता चुकी है कि वही उसी नाम का लड़का था जिसका डेथ हुआ था और बोला भी जाता है कि अगर किसी का डेथ हो चुका है तो उसका नाम बार बार नहीं ले नहीं लेना चाहिए बार बार याद नहीं करते हैं अब जैसे श्रीमद भगवद गीता का नौवा अध्याय और चौबीसवाँ या पच्चीसवा श्लोक में लिखा हुआ है कि आप जिसको भी पूजोगे पूजना का मतलब पूजा करना नहीं पूजना का मतलब याद करना ध्यान करना नतमस्तक होना डंडवट होना ये सारा चीज़ आता है आप ऐसे भी ज़रा सा कर लेते हो किसी के सामने तो आप उसका पूजा कर लिए तब जिसको भी पूछते हो जीते जी और मरने के बाद आपको उसी के साथ रहना पड़ता है वो एक्चुअली वो सुसाइड किया हुआ था अब जो व्यक्ति जिस अवस्था में मरता है मरने के बाद वो उसी अवस्था में रहता है जब तक वो उस योनि में रहे जिसे प्रेत योनि लोग कहते हैं।, हैं तो प्रेत योनि में जब तक कोई व्यक्ति रहता है तो उसी अवस्था में ही रहता है अगर कोई सुसाइडल आया है सुसाइड किया है तो उसी में रहेगा और उसके घेरे में जो भी आएगा तो उसके मन में सुसाइडल थाट्स आने ही आने हैं सीधा सा बात है तो अगर उसे कुछ करना था तो सुसाइडल थाट्स देता था। फर्स्ट पॉइंट तो वो उसने कुछ नहीं किया हाँ ये बात था कि बार बार उसको याद करना उस जगह पर तो वो सही नहीं है तो वो किसी को करना भी नीचे मरने के बाद में पितृपक्ष का समय होता है उस समय आप उनको अर्पण कीजिए उनको पूजा कीजिए वो बहुत सही समय है लेकिन हर समय याद करना तो उसे उस जगह से बांधे रखता है कि कभी जाएगा नहीं अगर किसी गलत एनर्जी किसी जगह से बंधा है तो बाकी को भी अट्रैक्ट करेगा बाकी भी आए साढ़े पेड़ पे लटके हुए होंगे हम लोग को तो दिखते नहीं है सब कोई इधर <laughs> कोई ये पकड़ के कोई उल्टे लटके होंगे किसी हाँ किसी का मुंह कैसा किसी का बाल कैसा कोई क्या कपड़ा पहना को क्या नहीं है एक तो तो नंगा ही था जो जल के आ गया था <laughs> वो भी आधा हुआ आधा जला हुआ आप ना एक बार बताओगे कैसे था और बंदा खड़ा है ना नीचे 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 हाँ ये पोर्शन जो जो पूरा जला हुआ जला हुआ है ये आगे की मतलब इस ढांचे में वो अपने को सपोर्ट देके खड़ा है और ये पूरा ढांचा जो जला हुआ है वो मतलब सब कुछ अंदर से जो दिखता है तो इधर पे पूरा से गायब इस तरह का अपना तो अब मतलब वो इस तरह से खड़ा रहता था अब उसका क्या है कि अब वो व्यक्ति जो है आ, क्या कहते हैं उसका मैं भाई साहब हाँ भाई <laughs> जो साहब जो तो भाई साहब जो भी हैं अपने जो नाम दे दिए थे खबीज सर सीनियर ही बोलेंगे उनको कि कान तो करके चले गए पाए कहीं नहीं गए वो वो उधर पे ही थे तो तो अरे तो वो क्या बोलते हैं माचिस लगा के तो भाग नहीं जाता है वैसा व्यक्ति में था अब उसका क्या होता है कि अब कहानी जो है वहाँ से शुरू करते हैं जो इन लोगों ने कांड शुरू किए थे अपने अपने जो डरने का जो आदत है उन लोगों का भाविका का शुरू का था श्रेया को उस आदत को तोड़ना था एक रोज़ रात के समय चांदनी रात खिड़की वग़ैरह सब खुला हुआ वो लोग केवल तीन लोग थे वहाँ पर उस रूम में बाकी लोग तो गए हुए थे अपने अपने घर छुट्टी पर कहाँ घूमने कहाँ कहाँ इधर पर एक साइड में भाभी का सोई हुए इधर पर आंचल और उधर पर सरिया इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए उसको ये भी लगता था कि भाई कौन बगल से हाथ निकालेगा कहीं यहाँ नीचे से कोई हाथ ना निकाल ले ये सब वाला ये सबका था तो बचपन में हम लोग का भी आता ही था इसका तो बचपन चल रहा है वही है कि अब वो एक्चुअली उसको लगता था एक्चुअली ये चीज़ लगता था उसको कि हाँ उसको लगता था और इतना अगर रात के समय उसको बोल दिया जाए ना कि बेड के नीचे से हाथ निकलेगा तो वो सच में लिटरली वो मान लेती थी कि वो निकलेगा ही निकलेगा अब उसी में उन लोगों ने डराया अब डराने का एक्शन भी करना पड़ेगा <laughs> तो अब डराने का क्या था कि तो वो तो बैठे बैठे में हो सकता है श्रेया हाँ। ने क्या किया कि वो बोले कि इसको तो समझा कर रहेंगे कि आज के बाद ये हॉर मूवी नहीं देखेगी उसने क्या किया ये भाभी का लेटी अभी इधर पर है आंचल लेटी हुई ये अपना सो गई है अब वो उठती है अपना बाल घुंघरेला बाल था उसका वो इस तरह से कर ली है नीचे और अपना दोनों पैर मतलब तो मैं तो घुटना बैठ रहा हूँ वो ऐसे बैठ करके इस तरह से कर ली और बाल आगे और बाल आगर पर आगे पर तो वो पहले तो वो ऐसे सोई हुई है आँख खोल करके देखी ऐसे फिर सो गई फिर दोबारा खोल के देखिए अब जो उसके बाद में जो हुआ होगा आप लोग कल्पना कर सकते हैं कम से कम वो पंद्रह मिनट तक तो रोई है कि उसका मतलब बोलते हैं ऐसा हार्ट बीट बढ़ गया था ना सब लोग फिर शांत कराए कि ये हम हैं हम हैं हम हैं मतलब श्रेया बोल रही कि हम हैं हमें कोई नहीं है हमें भूत नहीं है कैमरा कहीं नहीं था फर्स्ट प्राइम था अब क्या होता है कि उन लोग को फील क्या होने लगा था पहले तो सबसे पहला दिखा था उसी पीरियड में उन लोग को कि सेम जिस तरह से श्रेया थी उस तरह से बाल आगे की हुई एक लड़की चांदनी रात में गेट अपने आप खुलता है बाहर का ये चीज़ था कि जो गेट खुलता था ना तो एक्चुअली हॉरर जो साउंड होता है वो गेट वो आवाज़ करता है वो वैसे ही आवाज़ करता है जैसे लोहा वाला गेट नहीं होता है जिसमें ग्रीसिंग वगैरह ना किया हो तो ऐसे आवाज़ करता है क्लैंक बोलते हैं उसको मेटल का थोड़ा तो वो आवाज़ कर रहा था वैसे ही ऐसा खुला अब वो सामने से चलते हुए आ रही है आ रही है आ रही है वो बाल इस तरह से है और शायद वो करीबन एक या डेढ़ मिनट का उसका ये होगा टाइमिंग होगा ड्यूरेशन हो बोलते हैं जो लेकिन उन लोगों के लिए वो एक घंटा के बराबर था एक्चुअली वो लुप जो होता है ना उन लोग लग रहा था कि वो हो रहा है और आस पास के जितने कुत्ते हैं रो रहे हैं। रोने लगे और ऐसे नहीं जैसे कि अगर ये रूम में रो रहे हैं मतलब ये रूम में वो लोग है तो ऐसा लगता था कि इसके पीछे वाला रूम में वो लोग कुत्ते रो रहे हैं और नजदीक इतने नजदीक वो लोग लगने लगा था लेकिन छलावा होता तो एक को सुनाई देता तीनों को सेम इंसान दिख रहा है तीनों को कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है छलावा एक बार में हजारों को भ्रमित कर सकता है ये सब चीजें बहुत डीप है हजारों भ्रमित कर सकते हैं इससे कि अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना तो अगर वो एक बार बोलेगा ना तो अगर वो श्रेया बोलेगा मतलब मान करके अगर वो रानी बोलेगा आयुषी बोलेगा तो वो इसको सुनाई देगा लेकिन उसी एग्जैक्ट टाइम में वो मेरा नाम भी ले सकता है उसी एग्जैक्ट टाइम में आपका भी नाम ले, 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 ले सकता है लेकिन हम लोग तीसरे तीनों को तीसरे का नाम नहीं सुनाई देगा अपना ही नाम सुनाई देगा ये उसका मतलब उसका बहुत सारा है वो कांडीपुरुष है उसका अलग बात है लेकिन एक चीज़ है छलावा के बारे में जो सब लोग जानते हैं कि वो लोग वो पानी पास गया तो ख़तरनाक है लेकिन पानी से दूर है तो आप हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट कर सकते हैं उससे फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है अच्छा पानी, पानी में ना फिजिकली नहीं होते हैं तो हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं क्योंकि उनके पास वही रहता खेल खेल हमें, है जिससे वो खेल-खेल भ्रमित अब उन लोग हमारा इससे आवाज है फेस ले लेंगे लेकिन उनका आवाज निकलेगा नाक से अरे रानी कहाँ जा रही है इस तरह से ऐसे ही निकलेगा लगेगा कि जैसे जैसे इनका रूप ले ली तो रूप ले लेगी पर आवाज ये नहीं हो पाएगा आवाज वो नाक का और आँख से आँख कभी नहीं मिलाएगा अब उसके बाद में क्या उन लोग साथ नया घटना होने शुरू हुआ नया घटना क्या पहले तो वो जो अपने वहाँ की मेड थी कुक थी जो बेहोश हुई वो क्या कारण से हुई थी क्या देखा क्या नहीं देखा वो, वो बाथरूम तो, बाथरूम में बाथरूम में।, बाथ में ही वो बाथरूम ही मेन बाथरूम जो था वो आंगन है आंगन के जस्ट इधर बाथरूम है उसी के अंदर वो बेहोश हुई अब उसके बाद में जो लोग साथ कांड होने शुरू हुआ है खतरनाक खतरनाक तो बताती थी कि वो जब पैर नीचे रखती थी ना डरना नहीं पैर नीचे रखती थी तो लगता था किसी का हाथ पे पैर रखिए हाथ को ये तो वो सीन हो गया ना कि तुम्हारी कदमों को मैं जमीन पे पड़ने नहीं, नहीं दूंगा वो बोला सीन अब ऐसे ही निकाला हुआ है और उसको तो लगता था कोई एक लड़की थी जो देखी थी किसी का हाथ है और हाँ ये बताया था कि वो हाथ ना जैसे हम नॉर्मल अगर हम लोग एक दूसरे का हा, हाथ में अगर अपना पैर रखते हैं तो हम लोग का एहसास होगा कि किसी ह्यूमनली हैंड है।, है।, है तो उसको लगता था कि एकदम स्लिपरी चिपचिपा सा कुछ बोलते हैं ना वैसा वैसा हाथ लगना थोड़ा सा अजीब सा लगने का हाथ में तो इसे पैर रखने अचानक से झटका से हटा दिया रख करके इसे कि कुछ क्या क्या है जमीन में चिपका हुआ होगा होगा जिसमें लग रहा कि पैर चिपका है नहीं वो फील हो रहा था कि हाथ है क्योंकि प्रॉपर हाथ पता चलता है कि जैसे कि पाँच उंगली के ऊपर में अगर रखेगा तो पता चलेगा ही कि वो हाथ है अब क्या उसके बाद में कि ये आँचल के साथ में ऐसा हुआ कि उसको प्रतीत हुआ उसको फील हुआ कि ऐसा हुआ है अब वहाँ पे ये मेरे को पता नहीं कि वे एक्चुअल है या नहीं है कि किसी को दिखा था कि बेड के नीचे से हाथ निकलने का हाथ निकला और ऐसे बताता है कि वो हाथ जला हुआ था कैसा फॉर एग्जाम्पल आप अगर डेडपुल को देखे हो गए कैसे उसका बॉडी अपियरेंस है बर्निंग स्ट्रक्चर उस तरह का उसको हाथ दिखा था और राजा को हाथ कि होता था उसका हाथ उसको, उसको ही नहीं कितने लोग को जब पैर नीचे रखी थी मतलब वो हर बार नहीं कभी कभी एग्जैक्ट मतलब अचानक से कभी उतरे तो और उस टाइम पीरियड पे हम कितना बार हॉस्टल में गए हैं आए हैं देखा जाए तो डे बाय डे चेंजेस हम सबके अंदर में देखें hmm. इरिटेशन झगड़ा करना और अचानक से मतलब जैसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा मोहम्मद की तरह एक्ट करना एक्चुअल शुरू कर दी थी और वो एक्चुअली वो लगने भी लगी थी कि जैसे कि किसी का फेशियल अपीरेंस जो होता है ना hmm. और जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है भाव हाँ भाव हाँ तो वो ये बांधना क्या बोलते जैसे रखा बुर, बुरखा जो भी बांधते हैं

अच्छा टिकटॉक <laughs> में वो वीडियो बनाती थी तो उसमें नाम भी वो अपना शायद कहानी में पता भी जो भी कहानी बताएगी वो ये बताई होगी नहीं हम बताए थे जब उस टाइम मिले थे ना अच्छा हाँ सामने से बात हुई तो आपने बताया था हाँ। हम बताए थे रहे हैं नाम क्या रखी थी टिकटॉक पर सनाया खान या फिर ऐसा कुछ नाम रखी थी वो टिकटॉक में ये नाम रखी हुई सोचो दिमाग के साथ खेल उसका स्टार्ट हो चुका था तो वो एक्चुअली में ये चीज़ शुरू हो चुका था अब वो वहाँ पे भी एक मोबाइल लड़की थी नाम बोल रहे हैं उसका तो उससे किसी बात का आर्ग्यूमेंट होता था वो उ वही लोग खुद से लेकर के भाई जो पहले से संस्कृत जान रहा है वो तो जानेगा ही ना कि इस श्लोक का मतलब क्या है अचानक से कोई पंडित बन जाए वो तो जानेगा ही नहीं वही सेम है वो तो पहले से जान रही जो शुरू से मुस्लिम है हाँ कुरान का कुरान हाँ, का आयात है या फिर इसका है इसका मतलब क्या होगा इसका यूज़ क्या होगा क्या नहीं होगा वो उस पर भी चढ़ जाती थी लड़ने के लिए कि नहीं तुम गलत बोल रही है लेकिन यहाँ पे क्या है ना बात आंचल सही हो जाती थी जबकि आंचल ने बचपन से कुरान नहीं पढ़ा उसको लेना ही देना नहीं उससे मतलब क्योंकि आजू बाजू कोई है ही नहीं ना जिससे वो इंस्पायर हो इन्फ्लुएंस हो कोई बोले कोई बताए कि हाँ ये है वो है तो ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ में अब उसके बाद में सिर्फ उस पर नहीं मतलब लिटिल लिटिल बोलते हैं कि सब में थोड़ा थोड़ा चलने लगा था अब इन सब का आदत भी खराब एक ही रूम में जो भगवान का मूर्ति के बारे में बताई थी तो बेटा तुमको बताना चाहते हैं कि भगवान का सिर्फ मूर्ति नहीं रखा जाता है पूजा भी किया जाता है जो कि तुम लोग कोई नहीं करती थे जितना लोग सुन ले क्योंकि तो हम रोज आते थे उसी रूम में मूर्ति उसी रूम में जूता चप्पल उसी रूम में नॉन वेज सारा चीज़ उसी में बाथरूम भी वहीं कर लेते तुम लोग सब चीज़ अब जब सब चीज़ एक ही रूम में कर रहे हैं तो वो भी कर लो <laughs> <laughs> यार कचड़ा करके रखे सब लोग गंदगी से अट्रैक्ट होता है ये सब गंदगी गंदगी से नहीं दुर्व्यवहार से अगर हम लोग आदमी जैसे कि सही से रह रहे हैं ना तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना कि जो कि खत्म हो जाता है जैसे कि आदमी कहता होगा कि शमशान घाट से आने के बाद नहाना चाहिए नहा, नहाने का मतलब नहाने का मतलब ये नहीं कि बाल्टी से इसे ले ले करके एक पूरा बाल्टी पानी ले करके एक बार में शरीर पे उझलना चाहिए जो लास्ट जो जलता है ना तो उससे जो छोटा छोटा अणु निकलता है उसको रोड़ाणु कहते हैं तो हम लोग का शरीर में जब वो चटता है तो उसको रोड़ाणु बंधन कहते हैं तो उसको बहाने से जितने भी रोनाणु होते हैं वो एक बार में बह जाते हैं तो उससे जो उससे जुड़ी जो स्मृति है जो नेगेटिविटी है जलने के समय में जो भी थॉट्स होंगे जो सोने पर सुहागा फोन आता है अनिशा का अनीसा का ही शायद फ़ोन था क्योंकि एक एग्जैक्ट याद नहीं है नाम तो अनीसा ही पता चला था अब क्या होता है कि अब उसका जब फ़ोन आया है तो हमको समझ में आ गया कि कांड हो चुका है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो चलो भाई चलने का टाइम आ गया अपना अब <laughs> उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद में पता चला कि क्या क्या हुआ है वो सोई हुई थी बेड में ऐसे मतलब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है उसको आराम से सोई हुई घोड़ा बेच करके मतलब अपने भैया है उसका भी उसको वो नहीं था एग्जैक्ट मतलब रीजन क्या था उसका सोए रहने का उसको दो डोज लगा था बेहोशी का इंजेक्शन हैवी वाला और वो उसी हालत में पूरा अपना फॉर्म में है डॉक्टर को बोल रही है इधर बोल रही है उधर बोल रही है लेकिन वहाँ पे एक नर्स थी जो ये बात बोली थी कि सात गांठ वाला जो हल्दी होता है वो उसका यहाँ पे पीला धागा के साथ बांध देने के लिए वो डॉक्टर था तो डॉक्टर अगर हमसे भेंट होता ना तो उसको थोड़ा सा बताते कि क्या होता है जिस तरह से वो नौटंकी कर रहा था क्योंकि तो उसका लहजा सही नहीं था यदि आप डॉक्टर हो कौन सा हॉस्पिटल में पता नहीं हॉस्पिटल किसी जगह आ, ले जो, ले जो खुला हुआ होगा अगर आप डॉक्टर हो तो आपको खुद को पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि पेशेंट को पेशेंट से देखने का उसका मजाक नहीं उड़ाने का अब वहाँ वो डॉक्टर साहब शायद नए नए थे जो मजाक उड़ा रहे थे क्या बोल रहे थे ये क्या नौटंकी कर रही है देखो अब बोल करके उधर पे हंस रही है और ये चीज़ शायद हाँ ये चीज़ वार्डन सुनी थी तो वो इस बात के लिए स्टैंडली थी। हाँ स्टैंड ली थी वहाँ पर और फिर वो वहाँ से वो लोग ले करके आए तो उनके हस्बैंड थे और वो थी तो हस्बैंड फिर चले गए शायद काम वगैरह था वो वहाँ बैठी हुई थी अब लड़की लोग का कहना है कि वो दिन भर तो नहीं थी उस टाइम में जब आप आए हैं तब वो आई हैं अच्छा वार्डन आई हैं अब वो एक्चुअल क्या था क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था उस टाइम प्रेजेंट नहीं था पता नहीं क्या हुआ जो भी चीज़ खड़ा था उसका अपेरेंस कैसा था फुल न्यूड हाफ बॉडी जो था उसका पूरा जला हुआ था और ये सब आंचल को अच्छे से याद है वो ये बताती है कि मतलब वो जब डरती थी ना तो बोलती थी कि इस तरह का वो आदमी दिख रहा है जो कि यहाँ पर खड़ा है जो कि वहाँ पर खड़ा है इस तरह से बोलती थी हाफ बॉडी बर्न बर्न का मतलब वो नहीं कि आपको लगा कि जला जला टाइप का नहीं है मतलब यहाँ का आपका शरीर दिख रहा है पूरा है ये गायब है दांत दिख रहा है आपका अरे आँख खत्म है ये वाला आँख नहीं है यहाँ से मतलब यहाँ पे आपको गड्ढा दिख रहा होगा या पूरा फ्लैश वहाँ पे आप समझिए कि यहाँ डेड पुलका है यहाँ पर इतना डर डाल दीजिए बाल है ही नहीं इधर से गजनी यहाँ से तो आंचल बताइए वो किसके जैसा दिख रहा था मतलब पहले कभी देखा हुआ इंसान था नहीं नहीं बिल्कुल नया नहीं नया था वो नया था वो किसी तरह दिख रही नहीं रहा था उसको तो जब आप आंचल गए तो उसका रिएक्शन अलग था वो। उसका अलग रिएक्शन था जब सोई हुई थी तो नॉर्मल जैसे कि हम आप लोग सोते हैं तो किस तरह से आराम से सोए हुए जब आँख खुलती है तो ये चीज हम सब ने नोटिस किया था पापा ने भी ये चीज़ नोटिस किया कि ये जो आँख है ना वो अचानक से यहाँ पे आँख खोल दे के साथ में ये पूरा जगह थोड़ा सा डार्क हो गया था अच्छा, अच्छा। खुलने के बाद में और वो चल नहीं पा रही क्योंकि उसको डो, लगा, लगा था इंजेक्शन का हेवी लगा। लेकिन जिसको भी देखती थी ना एक घूर करके देखती थी लेकिन हमको नहीं देख रही थी हमको घूर करके नहीं मेरे पास में इस तरह से इस ऐसे नीचे नीचे में ऐसे ऐसे कर रही है मेरे क्यों रुद्राक्ष अपना लटकाए रखते थे हम वो कह के थे उसको थोड़ा सा पढ़ा करते थे उस टाइम रुद्राक्ष वगैरह अपना माला वगैरह फेरते थे तो वो कारण था शायद भगवान उस समय में साथ थे भगवान साथ थे तो उसको बाद में भी हम लोग को पता चला कि हाँ अब उसके बाद तो आप लोग कहानी पता है कि पता है। एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता में वो नॉर्मलाइज हो गई हाँ। लेकिन अब वो कांडी कातमा जो था भाई साहब हाँ वो जो सर थे मेरे पीछे पड़े अब वो कैसे कि अब सारी लेडीज़ जितनी थी जितनी लेडीज़ बोले जितनी जो गर्ल्स थी बच्चियाँ थी सब अपना होस्टल, अपना हॉस्टल अपना अपना बैग वग लेकर के हॉस्टल से सारा किया कराया करके निकल गए वहाँ से गाली गलो जो चीज़ करना था सब चीज़ कर दी मॉडल शराब वराब दे करके शराब वराप दे करके हाँ पूरा ये नाश हो जाए तेरा वो नाश हो जाए नाच पीटी सब चीज़ बोल करके निकल गए वहाँ से अपना अपना जगह पकड़ लिए अब मेरा क्या काम था कि जिसका सामान छूटा है यानी कि, कि मेरा बहन का और बाकी किसी का अगर वहाँ छूटा होगा तो जाके पहुंचाना और मैडम जी भी वहाँ पे नहीं थी मैडम गायब।, गायब अब उस समय बारिश का थोड़ा सीजन चल रहा था अपना पहुँचे रांची का तो बारिश वैसे ही अपना होता है ऊपर नीचे चलता कभी रहता है। भी हाँ आदमी को बाहर पोडकास्ट ना करने दे कुछ तो अपना एंट्री लिए वहाँ पर एंट्री लेने के बाद में देखा कि जो इलाज करने के लिए आए थे मौलवी मौलवी साहब वो सब जगह जो जो उनका जो आयात वगैरह जो लिखा रहता है उर्दू में सब जगह चिपका हुआ था हर एक गेट के बाहर में चिपकाया हुआ था लेकिन गेट सब लगा हुआ है ताला लगा हुआ है बाहर से कितने तो सामान निकाले तो निकाले कैसे वहाँ से हम रिटर्न हुए निकले घर पर फ़ोन किए कि

अब वहाँ से बाहर निकले निकलने के बाद में फ़ोन किए, घर पे। अब घर फ़ोन करने के बाद में बताएं कि ऐसे-ऐसे बात है अब जैसे जो गैलरी है गैलरी बोल रहे हैं जैसे जो मेन गेट है वहाँ से बाहर निकले एक स्मेल पीछा में रखी है गोबर का गोबर का स्मेल आ रहा था चलते 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 मैं लगा कि यार पैर पे लगा है क्या अपना चेक करें तो पैर पे तो कोई गोबर नहीं है तो एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलता है अपना इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है जो टुक हम लोग टुक टुक बोलते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप लोग क्या बोलते हैं देखो एक्सपीरियंस हो गया आधे घंटे पैंतालीस मिनट की वीडियो में <laughs> तो अब होता क्या है कि उसमें बैठ करके हम लोग निकले बेसिकली हम अकेले थे हम निकले वहाँ से अकेले नहीं थे एग्जैक्टली exactly बोला जाए तो हाँ, हाँ अकेले, नहीं अकेले, नहीं अकेले नहीं थे टेक्निकली अकेले नहीं थे जबकि वो जो गोबर का जो स्मेल था वो भी मेरे साथ ही जा रहा था अब स्मेल आ रहा है आ रहा है तो बीच में आइडिया लगा कि लगता है पीछे पीछे कुछ ज्यादा आ चुके हैं तो वो उनका आपको फील हो गया हाँ तो उनका स्वागत कर रहे थे शिव तान्दो सोत्रम के साथ स्वागत किया तो ज्यादा चले गए नाराज़ हो गए थे फिर पीछे आए मेरे आधे रास्ता के बाद में फिर से शिव तांड्र सूत्र से स्वागत किया कर... जब जब आ रहा था आपको स्मेल दे हाँ। रहा था वो चले जा रहे थे तो गोबर का स्मेल खत्म हो जा रहा था वो गोबर का स्मेल खत्म हो जा रहा था एक शिव मंदिर था जिस जगह से हम लोग क्रॉस करते हैं वहाँ से एक शिव मंदिर वहाँ पे अभी भी शिव मंदिर मौजूद है तो जैसे उसको क्रॉस किए हैं तो उसके पास स्मेल मेरे को नहीं आ रहा था किसी भी तरह का स्मेल नहीं आ रहा था आराम से और इनफैक्ट धूप बत्ती स्मेल होता है ना वो ज़्यादा आने लगा था जाते जाते अपना हॉस्टल में गए तो एक वहाँ पे मेरे भैया हैं फ्रेंड भी हैं तो टोक दिए कि अरे ये किस चीज़ का स्मेल है गोबर तुम लगा के क्या हुआ, क्या पैर में और ये चीज़ नहीं करना था टोकना नहीं था मतलब वो आपके पीछे पीछे ही गया था, था, था लेकिन वो मेरे पर हावी नहीं हो पा रहा था क्यों क्योंकि मेरे साथ कोई पॉजिटिव शक्ति जुड़ी हुई थी मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है अगर वो आपको कमजोर पाएगा तो जल्दी हावी जल्दी हावी करेगा अब क्या हुआ कि उस समय साढ़े पाँच बज रहा था शाम का एग्जैक्ट याद है साढ़े पाँच बज रहा था क्योंकि घटनाएं कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देती हैं याद छाप छोड़ देती हैं कि किस समय क्या हो रहा है साढ़े पाँच बजे जब वो टोका गया उसके बाद से बैठे तो मेरे रूम में एक लड़ा लड़का रहता था जिससे हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से बात करते 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 में सात बज गए सात बजने के बाद में अपना पढ़ाई करने के लिए वो चला गया नीचे कि भाई अपने दोस्त लोग साथ में पढ़ाई करते हैं अब पढ़ाई करते हुए हो गया उसका आठ अब फोन किए कि भाई कहाँ पर है आओगे नहीं तो बोले नहीं भैया मैं रूम में नहीं आऊँगा आज नहीं आ सकता हूँ रूम में तो बोले कि भाई ठीक है आ जा यार अकेले रूम में है बोरिंग सा लग रहा है अब फोन रखें तो उस समय मेरे अंदर में कम से कम थाउजेंड्स ऑफ इमोशंस अचानक से चलने लगा था अच्छा। पोजीशन के टाइम में इस तरह का होता कि, है। कि कभी चिड़चिड़ापन कि अभी मतलब दीवार में मुक्का मार दें और उसी मतलब ऐसा नहीं कि अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है तो तुरंत दूसरा नहीं उसी समय में कि एक ही समय में हमको चिड़चिड़ापन भी हो रहा है एक ही समय में हमको ये हो रहा है क्या खुश भी हो जा रहा है खुशी खुशी हो हंसने का मन कर रहा है जोर जोर से हंसने का मन कर रहा है कभी बाल नोचने का ये मतलब एक ही साथ में मतलब इतना सारा इमोशंस एक साथ में फूट जाना बोलते हैं ना कि मतलब अगर दस तरह का बम है तो दस तरह का एक ही करके नहीं फूटना दस तरह का बम एक ही साथ फटना वही वाला अब मेरे अंदर में कॉन्शियसनेस ऐसा क्या था शायद महादेव का ही कृपा रहा होगा उस समय में कि हमको ध्यान में आए कि हमको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू किए शुरू करते 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 में और किस में जिस जिस तरह से बजरंग वाली पोजिशन में, में जो राम जी को ऐसे करते हैं। करते, हैं। हैं। करते हैं उस तरह से बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ दें अब जब ये लाइन आता है भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुना जब ये लाइन आता है तो आसपास में हमको सात परछाई दिखाता है। साथ? सेवन सात परछाई जिसका हाइट कम से कम दस फीट होगा बाप रे इतना दस फीट हाइट होगा और उस टाइम में जैसे कि आसपास में जैसे आप अगर सी एफ एल या एल ई डी लाइट वगैरह जलाते हैं तो अच्छा खासा रोशनी होता है फोर सी एफ एल बल्ब तो उसका रोशनी के अंदर में ऐसा लग रहा था ना कि डार्कनेस ज्यादा बढ़ते जा रहा है पूरा इस तरह से डिम होते, होते जा रहा है तो उस तरह से लग रहा था लेकिन फोकस मेरा अनुंजलि समीरा रहा अपने दीवार डराने का कोशिश डराने का वही है हमको फोकस था कि भाई कुछ भी हो जाए हावी नहीं होने देना हो हावी नहीं होने देना है क्योंकि एक तो अभी कांड हो चुका है घर का नहीं नहीं एक तो घर का हो चुका है और दूसरा अगर उसका तो कहानी बन रहा है मेरे साथ हो तो कांड हो जाएगा ऐसा <laughs> वाला है अब उसके बाद में क्या हुआ कि कहानी वहां समाप्त सर गए वहां से अब किसी मैडम को भेज दिए मेरे पीछे <laughs> बोले कि देख मेरे से नहीं हो रहा तुम लड़की है तुम जाओ तुम, जा। तुम रिझा दोगी <laughs> अब अब आ गया था ठंडा के टाइम मोहल्ले में आई ऐश्वर्या <laughs> मोहल्ले में ऐश्वर्या आई <laughs> चलो कितने बदमाश है हंस के कहानी पे लेकिन अपुन तो रहा सब है ना हाँ नहीं नहीं पिघले हाँ हनुमान चालीसा छोड़ा नहीं अच्छा <laughs> उसको भी नहीं छोड़ा उसको भी पकड़ लिया <laughs> नहीं वो तो सूरत वाला तो कांडी अलग कर दिया था वो <laughs> कर दी थी वो नहाते समय देख रही थी <laughs> ठरकी होती है <laughs> ठरकी, ठरकी, ठरकी। यार रानी ठरकी मेल भूत हम देखे ठरकी फीमेल भूत नहीं देखे हम होती, होती है, है। लेवल की होती है होती है नहाते हुए देख रही थी अच्छा वो कहानी भी हम लोग बताते हैं बाद में अब होता क्या है कि अब उसके बाद से मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस शुरू हो चुका था स्लीपिंग पैरालिसिस ऐसा होता था कि अब लेटे हुए हैं तो एक फीमेल फिगर दिखता था ना कि कोई फीमेल दिखती थी उसमें अपीयरेंस फीमेल का नहीं था तो वो मतलब अगर बैठती थी तो अगर आप लोग को दिखाएं तो हाथ इस तरह से करके ऐसे करके हाथ ऐसे करके वो। ऐसे वो पैर के पास में यहाँ पर बैठती थी मेरा और बैठने के बाद में अपना क्या है कि हम लोग को न हाथ हिलता है ना पैर बस उस समय सिर्फ अपना ऐसे से करते थे तो पता चला सिर्फ पैरलिस है हनुमान चालीसा पढ़े मन, मन मन में ही अपना मुंह भी नहीं खुल पाता नहीं खुलता है आप उसमें कंडीशन ऐसा होता था ना कि एक्चुअली मैं मैं पर मुंह नहीं चल रहे जैसे वो जो भी लेडी थी या लेडी जैसा जो भी स्ट्रक्चर था वो आपके पैर पे बैठी थी तो आपको फील नहीं होता था कुछ भारी चीज मेरा पैर है उसका वेट कुछ नहीं वेट कहाँ होगा वो तो हवा है वो हवा है पॉइंट वेट कहाँ होगा उसका अब वेट होता तो बात ही कुछ हो गया उसके <laughs> 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 फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगले दिन में भी ये हफ्ता दर हफ्ता mm -hmm. बढ़ने शुरू हो गया था अपने साथ में हफ्ता दर हफ्ता बढ़ रहा है अगले दिन सुबह सुबह उठे थे mm. बढ़ते गया बढ़ते गया रोज हो रहा है रोज हो रहा है लेकिन इसका क्या होता था ना कि उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा था पहले केवल स्ट्रक्चर हुआ था उसका धीरे धीरे करके मतलब वो दिखने शुरू हुई तुरंत में नहीं दिखने शुरू हुई धीरे 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 करके अब लास्ट सीन ऐसा आया था लास्ट जो मेरा पैरालिसिस का था उसमें हम एक लूप में फंस गए थे टाइम hmm. लूप बोलते हैं ना सपना में अब हम सोए हुए हैं देख रहे हैं कि उठे उठने के बाद अपना एक गेट खुलते हैं गेट खोलते के साथ में जा रहे हैं बाथरूम में तो नॉर्मल से बात है उठने के बाद भाई अपने बाथरूम बाथरूम खुलते के साथ अपना रूम में वापस पहुंच गए सीधे सीधे बेड बेड पे पे फिर उठे वैसे लेटे हुए फिर बोले यहाँ पे शायद सपना देख रहे होंगे और ये मेरे को फील आ रहा है कि हम सपना देख रहे हैं ये पक्का पता है कि हम सपना देख रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है मतलब जब अपना अपने आप को सपना में उठाने का कोशिश कर रहे हैं शरीर से तो शरीर मेरा नहीं उठ रहा है बाकी पूरा पोर्सन उठ करके समझ जाओ कि शरीर रहेगी आत्मा उठ करके बाहर जा रहा है सारा काम घूम रहा है बार बार। हाँ और उस टाइम में मेरे बेड के पास में मतलब मेरे रूम में इस साइड में जैसे अगर सोते हैं तो इधर पे हनुमान जी का और सरस्वती माता का दोनों का अलग अलग एक फोटो रखे हुए थे तो जब उधर पे देख रहे हैं सोते हुए में ही सपने में ना हनुमान जी का मूर्ति है ना सरस्वती माता का फोटो नहीं है किसी का भी और यहाँ बगल में एक लड़का था मेरा दूसरा लड़का उस समय आया था बगल बेड में रहता था अब वो लड़का दिख नहीं रहा है सपने में सपने में मतलब वो आँख बंद है तो उस समय कुछ दिख नहीं रहा है अब कुछ देर बाद देख देखते क्या है कि एक हमारा एक जन्मन सेफट था तो वो अंदर आ रहा है ब्रूनो नाम था उसका वो आ रहा है और वो मेरे को अपने हाथ ऐसे करके उठाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर अपना पैर रख करके वो आदत था उसका एक्चुअली वो कभी कभी आ जाता था रूम में तो इस तरह से उठाता था जिस तरह से दबा दबा करके तो लेकिन वो तो स्ट्रेंज तरीक़े से उठा रहा था इस तरह से ढकेल रहा है बार बार तो ऐसे में भी कुछ नहीं हो रहा है लास्ट में क्या किया कि फिर से हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ने और जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तब हमको सुला दें फिर उठे तो हाँ गहरी नींद, नींद में चल जाए फिर उठे तो फिर ये सब चीज़ होने लगे ऐसा लग रहा था कि ये एक दिन हो चुका है पूरा ही होते होते में अब उसके बाद में वो प्रॉपर अपीयर हुई मेरे सामने में और कैसी दिख रही थी

उसके शरीर में कपड़ा नहीं था वो पूरा बाल से शरीर उसका ढका हुआ था सिर का बाल से पूरा शरीर ढका हुआ था अब वो इस तरह से फिर बैठी थी लेकिन अब उसका नया स्टक नया काम था कि अब वो चल करके सामने ऐसे ही में आती थी ऐसे ही में चल करके ऐसे सामने आ रही है यहाँ तक अपना छाती तक हाँ और ऐसे करके देखना इस तरह से और पीछे होना और फिर वापस जाना आगे पीछे आगे पीछे पैर के पास ही आगे पीछे होना शुरू कर गई मेरे को पता था कि मैं लूप में फंसा हूं हर हर महादेव शिव तांडव सोतम शुरू <laughs> आधा भी नहीं हुआ था <laughs> अचानक से जगे हम सोकर के जैसे कि झटका से उठते हैं ना वैसे और इस तरह से हाँफ रहे हम <laughs> और जब उठे हैं रूम में जितना सामान था <laughs> कोई यकीन नहीं करेगा लेकिन जो बंदा है उसको पता चल जाएगा सारा सामान नीचे गिर गया जितना सामान था सब गिर गया एक बड़ा सा लोहा का ये था रैक, हाँ रैप टाइप का था कबर्ड टाइप का था वो हल्का सा घिसा आगे तरफ में धक्का पड़ा था ऐसा भुख खिसका, था। पाया, हाँ। kind of. हाँ, खिसका था तो जो खिसकने पर आवाज करते हैं ना उस तरह से आवाज आया अब बगल में जब उस लड़का को देख रहे वो आखे फाड़ फाड़ के मेरे को देख रहा है तो बोले क्या हुआ अरे भैया तो आप कब से सोए हुए थे आप अजीब अजीब हरकत कर रहे हो कभी जोर जोर से सांस ले रहे हो कभी आराम से सो जा रहे हो कभी सांस ले रहे हो कभी सो जा रहे हो और दो बार मैं आपको उठाया भी था इस तरह से करके और जब मैं जर्मन सेफर देख रहा था वो एक्चुअल में वो था वो जो उठा रहा था आपको आपको जर्मन सफर जर्मन सेफर हम मेरे को लगा कि वो अपना जो जर्मन सेफर्ट है वो आया है लेकिन उठा वो रहा था और फिर बोला कि आप वो बंदा ऐसा डरा ना अगले दिन रूम खाली कर दिया था वो जो सामान हाँ, वो, तो विटनेस, वामान हिला। हिला। होगा। वो तो विटनेस किया था उसके बाद में अब उसके बाद से वो रांची में जब तक मैं रहा वो नहीं दिखी तो वो बहुत कोशिश की नहीं हुआ तो छोड़ दी यही हो सकता है फिर अब क्या होता है ना कि मैं चला गया सूरत काम करने के लिए अब कि कहाँ था वो तो मैं नहीं बताने वाला चला गया काम करने के लिए अब काम करते समय में कि मेरा क्या हुआ तो 2020 में फ्लाइट से रिटर्न आना था तो ये जो हॉस्टल वाला आप बताए ये कब का था बात ये दो का उन्नीस के बाद जनवरी फरवरी के टाइम हाँ, हाँ, में था आप कहाँ जा रहे हो किससे मिल रहे हो किससे बात कर रहे हो सामने वाला बंदा कैसा है खाने में क्या दे रहा है कि नहीं कहीं आपको सफेद मीठा तो नहीं दे रहा है सफेद मीठा नहीं खाना चाहिए ना सफेद मीठा तो नहीं दे रहा है कहीं आपको मिठाई तो नहीं खिला रहा है फालतू का कहीं आपको ऑफर दूध तो नहीं कर रहा है पीने के दाल, लिए दाल में भी हम सुने दाल में उद का वो, दाल उद के दाल में उद का दाल उद का दाल में होता है उससे एक क्रिया होता है वो अलग बात है वो यहाँ बताएंगे बच्चे लोग भी देखते हो ठीक है तो, तो, तो सूरत, सूरत फिर क्या हुआ अब सूरत में पहुँचे काम करने के लिए तो नहाने के लिए बाथरूम में अपना नहा रहे हैं आराम से तो बिल्ली पार हुई कहाँ से जो खिड़की बोलते हैं ना वेंटिलेटर वेंटिलेटर के ऊपर से वहाँ से बिल्ली पार हुई वेंटिलेटर वेंटिलेटर में कोई जगह होता है खड़ा होने के लिए तो वहाँ से बिल्ली कैसे पार हुई जबकि वेंटिलेटर में जो छज्जा जो होता है तो वेंटिलेटर में नहीं होता छज्जा भी था कम से कम आ, दस फीट का हाइट में हाँ। और उसके ऊपर बिल्ली चढ़ गई है दस फीट ऊपर दस फीट का नहीं मतलब गैप जो होगा दस फीट का जो वो लेडी जो हम बताए थे ना हाँ, हाँ। ऐसे वाली, वो पता है। कैसे चला कि नहा रहे हैं कभी कभी होता है ना कि नहाते समय आदमी को लग रहा है कि मतलब नहा रहे हैं भाई आख बंद है अपना साबुन तो मेरा कभी-कभी खोल -कभी खोल लेने लेने का का मेरा भी हमको डर हाँ। लगता है खड़ा खड़ा तो नहीं नहीं, है। नहीं, कोई से नहीं। वैसे ही सावर जब पड़ता है ना तो वगैरह कम से कम धो जाए तो ऐसे में तो एक विमेन फिगर बाहर में जिसका बिल्ली ऐसा आँख जो की वो जो लोग बताए थे जो लेडी ऐसे बैठी थी ऊपर थी वहीं पे वही खड़ा होकर के ऐसे करके रही ऊपर से दीदी बताया था जब इनको स्लीप पैरालिसिस हुआ था तो उस टाइम भी वो आइस था वो प्रॉपर बिल्ली वाली बिल्ली वाली आइस थी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था भागे या फिर डरे <laughs> इज्जत बचा प्राइवेसी नहीं है बंदे की भाई हां नहीं 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 बात जी? भागने या डरने का नहीं था बात ये था ना कि कुछ पहने नहीं थे <laughs> <laughs> तो क्या करते तो हमने बोले कि चल ठीक है अच्छा और चुड़ैल जी के पास फोन नहीं था तब मैं स्लीप हो जाता <laughs> उस टाइम में क्या है ना कि अपना भाई नहा नहाँ बोले लेट इट भी अपना जो है तुम अपना एंजॉय करो अपना नहा लेते हैं इटली <laughs> <laughs> भागे नहीं नहीं भागे, सही में नहीं भागे वहाँ से क्योंकि बाहर में शिव जी का मूर्ति हनुमान जी का शिव जी का फनमान जी का फोटो रखे हुए हैं बस नहाते नहाते मेरा आदत है जब भी नहाते हैं अपना अपना स्त्रोत्र वगैरह पाठ करते रहते हैं नहाते नहाते नहा लिए अपना तो उस समय काल भैरव रकम का पाठ कर रहे थे अच्छा। सबसे अच्छा रहता है इस सब एनर्जीज वगैरह से दूर होने के लिए वो हमारा लास्ट इनकाउंटर था मैडम के साथ में ये तो डर ही नहीं रहा है भाई। <laughs> क्या, आ, है क्या है ना कि एक होता है ना कि ढीठ शरीर जो होता है ना हाँ। कि जितना बार ट्राई कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है ना डर रहा है ना कुछ कर रहा है अपना

सब बस पैसे लुटने में भाई भाई हमसे है। पूछते हैं कोई बढ़िया दीदी बता दो भाई आप बता दो हमें हाँ, क्योंकि में में को या सामने वाले का वो परेशानी दूर कर दो तुरंत में जिसका जिंदगी भर से वो फंसा हुआ है उसमें तो यार आदमी तो आपको कुछ भी दे देगा अब ये चैप्टर हो गया समाप्त है ना इसके बाद दोबारा नहीं लिख ये चैप्टर समाप्त हो गया यहाँचल वाला भी चैप्टर समाप्त हो गया अपना कि हाँ दिमाग में कोई भ्रम नहीं रखे और ज़्यादा जो जैसे कि अब इसके बारे में बात चल रहा है कितना देख रहे हैं कि यार तुम लोग जितने लोग जितने साथ में ये घटना हुआ है अगर देख रही हो उस चीज़ को याद मत करना प्रॉपर मना है उस चीज़ का कुछ कारण इसके वजह से मना है ज़्यादा याद करोगे तो हो सकता है कि दोबारा दर्शन हो जाए और ये हो ही जाएगा दोबारा दर्शन ना हो इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ का ना डिस्कस करना ना कमेंट सेक्शन में ज़्यादा ये सब के बारे में क्योंकि तो हाँ तो नहीं आप आ, कुछ बता सकते हो जैसे बहुत सारी हमारी सब्सक्राइबर्स बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि हॉस्टल वगैरह में रहती है घर से दूर उनको नहीं पता कि हॉस्टल में कैसा हो रहा है कैसा माहौल है तो जैसे आपके साथ ये सब हो चुका आपने अपने बहुत करीब से देखा ये सब कुछ तो आप कुछ उन लोगों को पता होना था कि अगर आगे से वो लोग लो हॉस्टल या फ्लैट में रहे तो कुछ कुछ चीजें ध्यान में रख के सेलेक्ट करें और रहने के बाद भी वो प्रिकॉशंस ले सबसे पहला अगर माँ बाप बोल रहे हैं ना कि अगर कहीं नहीं रहना है पहला तो वो चीज़ को मान लो अगर माँ बाप मना कर रहे हैं कि किसी को हॉस्टल में नहीं रहना है दूसरा हॉस्टल में जाओ भले वहां भी जिगरी फ्रेंड हो नहीं, आप बता भी कि आप में अपनी हाँ। नहीं छोड़ना कभी भी किसी भी ही नहीं होटल भी। होटल से भी अगर आप खाली कर रहे हो से खाली कर रहे हो अगर किसी रिलेटिव के यहाँ पे खास करके किसी रिलेटिव के यहाँ पे अगर वो आपके कोई भी हो उसके यहाँ पे रहते हो अगर आपको उसके विश्वास नहीं है अपना अंडर गारमेंट्स यूज किया हुआ खास करके नहीं छोड़े बाल बाल। जब करते हो बहुत अच्छे बाल हो। बाल खोलो समेटो दो, फेंक दो फ्लश कर दो बस अपना और लेकिन और हाँ खास करके अगर कभी भी आपसे कोई भी जब किसी भी तांत्रिक मॉल में या किसी पर जाते हो आपका तस्वीर ले तस्वीर नहीं दे हाँ वश कर लेता है तस्वीर से बहुत जल्दी होता है, फोटो तो तो जल्दी होता है।, है। वो तुरंत मांगें नहीं मांगेंगे पुराना में, 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 को था था, पुराना नहीं में क्या होता है ना कि आप पुराना समय में किस इमोशन से गुजर रहे थे वो अलग था आप नए में हो तो आप किस इमोशन से क्योंकि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना आपका फोटो से ही पता चल जाता है वो बंदा कैसा है अगर जो फेस रीडिंग जानता है वो तस्वीर देखकर के ही सब कुछ उसके बारे बताएगा वश में करके क्या करेगा बहुत चेला बना लेगा अपने पास नहीं, रख लेगा वश में करने के बाद में आपके घर में कुछ ऐसा होने लगेगा जो कि आपको किसी तांत्रिक का जरूरत पड़ेगा या किसी मौलाना किसी का जरूरत पड़ेगा तो वो आप नहीं जाइएगा वो आपको वही आपको लेकर के जाएगा उधर पे कि आप जाइए वहाँ पर आप ही इलाज करवाइए किसी को हाथ भी नहीं दिखाना चाहिए ना शायद ये भी चीज़ सुने सुन हाँ, हाँ रेखा वेखा हाथ का रेखा भी, दिखा भी किसी को कभी भी आप जान नहीं जान रहे हैं और खास करके शाम का सात बजे के बाद में कभी भी हाथ का रेखा नहीं दिखाना चाहिए किसी को वो सही नहीं रहता है और फालतू की चीज़ें जैसे यूट्यूब में कई लोग देखते हैं कि इसका साधना उसका साधना ये साधना वो साधना देख कर के आदमी मंत्र पढ़ने लगे कुछ नहीं होता मर जाओगे ऐसी बहुत सारी कहानियां और भी है आपके पास हाँ। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि जो आंचल की स्टोरी थी उसमें से बहुत सारी चीजें बिट्स एंड पीसेस में थी क्योंकि भाई जिसके साथ हुआ है आज खुद उसने बताया तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी एंड बाप रे बाप वो जो खबी साई भाई सा, सा, साहब थे वो इनके पीछे भी लग गए थे और वही बात है ना मेंटली स्ट्रांग रहोगे कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है इनको कहीं जाना नहीं पड़ा हेल्प के लिए ना झाड़ फूक कुछ नहीं नथिंग बस डट के रहेगी कुछ नहीं होने वाला तो कुछ नहीं हुआ तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस यही आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो पसंद है तो अंकित आप बोलिए क्या-क्या करना है लाइक करना है कमेंट करना है और अपने दोस्तों रिलेटिव्स और सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ये हाँ। रोजी सब्सक्राइब तो करना ही करना है यार <laughs> सब्सक्राइब भी कीजिए जल्दी से 500 के पूरे कर दो हमारे 478 79 लगभग हो चुके हैं सो so गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और अंकित की दूसरी स्टोरी चाहिए तो कमेंट करके बोलना कि भैया को जल्दी बुलाओ चैनल पे हाँ। कर, करना नहीं करोगे ना <laughs> तो धुकुर धुकर वाली आंटी घर आ जाने वाली है। exactly.